नमस्ते अदिति एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टारो आज जो है uh, हम सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे देखेंगे नेक्स्ट सेवन डेज जो है वो आपके लिए लव में कैसे होंगे अगला हफ्ता जो है आने वाला वो आपके लिए लव में कैसे होगा अगेन सिंगल पाइल रीडिंग है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग अगैन uh, सबसे जो है मैं दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल uh, किसी ने मुझे मैसेज बहुत अच्छा मैसेज छोड़ा सेट uh, अगर मैं uh, रोज आऊँगी और रोज़ यूट्यूब वीडियो uh, अपलोड करूँगी तो ज़्यादा लोगों को मेरा यूट्यूब वीडियो uh, पहुँचेगा कोशिश मैं सच में बहुत करती हूँ बट Uh, हमारी फ़ैमिली होती है एंड लाइफ में कभी कभी ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ से जब एक के पीछे एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एंड हमको कुछ छोड़ के वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होता है तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था लास्ट टू मंथ्स बट आई होप कि सब ठीक हो और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग ला सकूं। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और जो है मेरे व्यूअर्स

energies of my person who's watching energy of the person and the overall energy reading जो है मैं जो मेरे viewers हैं आप जो मेरे person हैं जो ये video देख रहे हैं उनके नजर अंदाजे से थ्रू यू आई एम गोइंग टू बी गेटिंग द मैसेजेस तो हम पहले आपकी एनर्जी देखेंगे और आपके इंसान की नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या एनर्जी होगी और आपका करंट रिलेशनशिप एनर्जी ओके बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है मैन ट्री डॉग एंड ओवरऑल फॉक्स फॉर योर राइट नगजिस्टिंग एनर्जी ऐसी है आ, अगर आपने लास्ट मेरे दो तीन वीडियोस देखे हैं तो सिमिलर एनर्जी है आ, थोड़ा सा एक इंसान जो है आप या आपके पार्टनर को थोड़ा सा रिलेशनशिप में शक हो रहा है डाउट हो रहा है नॉट नेसेसरीली कि वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है बट ऑल्सो कि कमिटमेंट देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं इनके इरादे क्या है राइट right? और वो मैस्कुलन एनर्जी के लिए है तो जो मैस्कुल एनर्जी है रिलेशनशिप में उसके ऊपर भरोसा करना जो है फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एंड प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कमिटमेंट के लिए सिक्योरिटी uh, के लिए ये रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए ग्रोथ ऑफ द रिलेशनशिप के लिए राइट नाउ प्रॉब्लम हो रही है एंड देन वी हैव डॉग अगेन फेथफुलनेस की एनर्जी है आप ये इंसान पे भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और आपके इंसान की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है कि भाई आप मेरे पे भरोसा रखें मैं भरोसा करने लायक हूँ मैं ट्रस्टवर्दी हूँ तो राइट नाउ रिलेशनशिप की यही एनर्जी है कि देर इज लैक ऑफ एंड देन वी हैव द मैन एंड द लेडी है ना देर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट ये रिलेशनशिप में भरोसे की कमी है और एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के इरादों पे जो है भरोसा नहीं है कि वो इंसान एग्जैक्टली exactly ये रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं टैरो से देखेंगे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए नेक्स्ट सेवन डेज में उनकी क्या एनर्जी होगी उनके मैसेजेस भी मैं लूंगी और रिलेशनशिप डाइस से ये रिलेशनशिप का फ्यूचर भी हम देखेंगे प्लस एडवाइस भी दूंगी तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें उनके इरादे उनके फीलिंग्स उनके एक्शंस टू ऑफ कप्स आपके सामने मैंने शफल किया था एंड जस्ट सी सच ब्यूटीफुल कार्ड्स रिकनसिलेशन है प्यार है एलिफेंट्स हैं यहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स थे ना वो ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आप लोग वापस यूनियन में जरूर आएंगे लाइन है यहाँ पे लोटस है यहाँ पे जो भी आपको लग रहा था कि आप दलदल में फंसे हुए हैं रिलेशनशिप अच्छा नहीं है वो सबसे जो है आपको फाइट करके एक दूसरे के साथ आने की आपके पार्टनर की एनर्जी है रिकनसिलेशन की एनर्जी है यूनियन की एनर्जी है इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है रिलेशनशिप को पे वर्क करने वाली एनर्जी है रोमांटिक कम्युनिकेशन है इमोशनल कम्युनिकेशन है, है अपने मन में जो ये इंसान को फील हो रहा है वो ये बहुत प्यार से जो है आपको दर्शाएंगे सेवन ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है वॉट इज दिस कम्युनिकेशन सेवन ऑफ कप्स अबाउट नाइट ऑफ एंड टू ऑफ दिस इज रियली वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी आपके इंसान राइट नाउ आपको मिस कर रहे हैं आ, उनको ऐसे लगता है कि अगर उन्होंने अब आपकी तरफ ये टू ऑफ कप्स वाली एनर्जी नहीं दी अगर ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएंगे और और टाइम लेंगे और ईगो में आएंगे और वेट करेंगे तो शायद वो आपको खो देंगे इसीलिए इंसान जो है थोड़े से डर गए हैं ये इंसान आपकी तरफ आएंगे आपको जो है एक रोमांटिक मैसेज देंगे इमोशनली जो है खुद को एक्सप्रेस करेंगे अगेन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपके जो पार्टनर है वो शब्दों में नहीं व्यक्त करते तो जब ये आपको अपने इमोशंस को बताने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान को अपने इमोशंस को शेयर करना आसान नहीं है इनसेंटली uh, बहुत यू नो इनोसेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे इनोसेंट बचपना नहीं इनोसेंट uh, uh, बहुत एक ऐसी सच्चाई वाली और बहुत यू नो ट्रूथफुल एनर्जी से जो है ये इंसान आपको कम्युनिकेट करेंगे uh, ये इंसान जो है फॉर सम ऑफ यूल उनके लाइफ में कुछ और टेम्पटेशन हो सकता है कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो सकता है या तो दूसरा इंसान या Uh, कोई और चीजें जिसके कारण आपके इंसान डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं लेकिन वो सब को छोड़ के जो है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे अगेन ये इंसान जो है विद द टू ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ ना डबल पैशन वाली एनर्जी है इमोशनली भी ये इंसान आपसे नेक्स्ट सेवन डेज में एक्सप्रेस करेंगे एंड नाइट ऑफ की एनर्जी इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ चलो डेट पे जाते हैं मिलते हैं मैसेज करते हैं बात करते हैं फिजिकल इंटीमेसी का कार्ड है तो ये इंसान जो है नेक्स्ट सेवन डेज में आपको हर ढंग से बताने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान कितना आपको चाहते हैं ऑलराइट टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड फ्यूचर का प्लानिंग की बात करेंगे अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं अगर आपको लैक ऑफ क्लैरिटी है अगर आप ये इंसान पे शक कर रहे हैं डाउट कर रहे हैं तो ये इंसान जो है वो कम्युनिकेशन जो अब तक नहीं कर रहे थे कि तेरे सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है आप तो मुझे कुछ भी पूछते हो मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं दूंगा आपके जो भी सवाल हैं वो सारे सवालों का ये इंसान जवाब देंगे जो भी चीज़ें से चीज़ों से आप कंफ्यूज थे ये रिलेशनशिप को लेके वो क्लैरिटी जो है ये इंसान जरूर लाएंगे आपके इंसान जो हैं थोड़े से प्राइवेट हो सकते हैं ओपनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हूँ आई एम सॉरी कॉल आ गया था तो जैसे मैं कह रही थी कि आपके इंसान जो हैं वो काफ़ी प्राइवेट हैं बहुत इजीली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लेकिन अब उनको ऐसे लगता है कि बिकॉज वो चुप रहते हैं और आपको एक ऐसी एनर्जी में डालते हैं कि खुद समझ जाओ खुद मेचोर बनो मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा या दूंगी तो अब उनको लगता है कि उसके कारण आप लोगों में आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है आपको इन इनपे भरोसा नहीं है तो ये इंसान जो है अब खुद से जो भी उनको तकलीफ हो रही है जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बताएंगे तो नेक्स्ट सेवन डेज की एनर्जी बहुत बहुत अच्छी है सो तो बिफोर गोइंग अहेड मेरे को एडवाइस में आपके लिए देखने दो कि आपको करना क्या है फिर आगे जो है अब तक के ब्लॉग्स मैसेजेस वो सब मैं दूंगी एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स सो आपको ये एनर्जी नेक्स्ट वीक के लिए ये एनर्जी क्लेम करने के लिए क्या एडवाइस है ट्विन फ्लेम ना? Twin flames है ना ट्विन फ्लेम्स है योर पैशन इग्नाइट्स तो आपको एडवाइस यही है कि राइट right नाउ सब चीजों को भूल जाओ ओवर मत करो जो अपनी अंदर का पैशन आपको कहता है जो आपका दिल कहता है दिल को फॉलो करो अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा सेफ्टी इज ऑलवेज फर्स्ट अगर आपको इंटूटिवली लगता है कि नहीं ये इंसान मुझे चीट कर रहा है या इंसान सही नहीं है प्लीज टेक अ टैरो रीडिंग टू तो अंडरस्टैंड कि ये इंसान की सच्चाई क्या है लेकिन ओवरऑल जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होती है और आप आपके पार्टनर को हंड्रेड परसेंट ट्रस्ट करते हैं तो यू हैव द ट्विन फ्लेम्स हियर एंड योर पैशन इग्नाइट्स वाली एनर्जी है हीलिंग इमेजिन बिलव इट सराउंड सराउंडेड बाई लाइट फील योर रिलेशनशिप बींग हील दिस वेरी मोमेंट तो जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में हीलिंग की जरूरत है आप ये इंसान को ट्रस्ट नहीं करते ये इंसान कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है कि वो उनको बुरा लगता है कि आप उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं मे बी टाइम एनर्जी एफर्ट सेवन ऑफ कप्स डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी भी है कि आपके इंसान कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं तो आपको एडवाइस यही है कि खुद को हील करें और ये रिलेशनशिप को भी हीलिंग दें तो अगर आप ये रिलेशनशिप में रिकनसिलियेशन चाहते हैं तो अपने पैशन ये रिलेशनशिप को लेके जो आपको पैशनेटली फील होता है वो पैशन को फॉलो करें एंड जो है ये रिलेशनशिप को हीलिंग दे हील योरसेल्फ अगर आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीन uh, लेके भी रख सकते हैं ऑल राइट दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी आगे लेट मी सी कि uh, ये आपके बारे में और ये रिलेशनशिप के बारे में सच में जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपके पार्टनर वो क्या फील करते हैं broken they feel broken inside and don't feel stable enough to trust themselves with your heart at this time be patient they see how powerful and magical you are and sometimes they wonder if if you have them under a love spell they feel like a fool for crossing the line and messing up the connection but too embarrassed to come forward मिसिंग यू वाली एनर्जी है और राइट मिक्स एनर्जीज हैं फॉर सम ऑफ योर आपके इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि उनको शायद पता है कि आप टैरो देखते हैं आप ये सब करते हैं तो आपके इंसान फॉर सम ऑफ योर आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी के आप उनको इतना प्यार करते हैं आप उनके लिए इतना डेडिकेटेड हो जैसे बोलते हैं ना तन मन धन से आप किसी को प्यार करते हो तो आपके इंसान आपकी वो एनर्जी से डर गए हैं कि बापरे इतना कोई मेरे से प्यार करता है मैं इतने प्यार को कैसे हैंडल करूँ वो इतना मेरे लिए कर रही है मैं इतना नहीं कर पाऊंगा बिकॉज योर पर्सन इज ब्रोकन इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिनके कारण वो उनको हीलिंग की जरूरत है अगेन कुछ भी उनकी सिचुएशन हो सकती है घर में कोई बीमार है पास्ट में कुछ हुआ है ब्रोकन रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी वॉट एवर इट इज योर आपके इंसान देखो यहाँ पे कैसे बिल्कुल ही जैसे ना सुकड़ के अपने अंदर चले गए हैं और जब आप उनको क्वेश्चंस करते हो जब आप पूछते हो कि बताओ क्या तुम तो मुझसे प्यार करते हो क्या तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो तो ये इंसान की ऐसी एनर्जी है कि मैं खुद अंदर से इतना मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है मैं तुमको क्या बताऊ अगेन फॉर सम ऑफ यू ऑल बिकॉज हम यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी फॉर सम ऑफ यूल नॉट एवरी वन आपके इंसान ने मे बी सच में आपको चीटिंग की होगी कुछ मास्क पहने होंगे आपसे कुछ सच्चाई छुपाई होगी Uh, इसी इसके कारण जो है uh, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है बट ये इंसान जो है अब उसको डेफिनेटली हील करना चाहते हैं बदलना चाहते हैं एंड दिस पर्सन इज मिसिंग यू देयर लाइफ फील्स एम्प्टी विदाउट यू दे मिस यू मोर देन वर्ड्स कैन से बट दे थिंक इट्स टू लेट टू फिक्स थिंग्स अब तक आपके इंसान को लगता होगा कि भाई यू you नो know, मैं मिस तो कितना कर रहा हूं जो मेरे यहाँ पे आप हैं लेकिन ये इंसान को लगता है कि शायद उनकी गलतियों के कारण उन्होंने आपसे ओपनली बात नहीं की खुद को एक्सप्रेस नहीं किया आप पूछते रहे वो चुप होते गए तो ये इंसान डर रहे हैं कि अभी की एनर्जी के मे भी इन्होंने खो तो नहीं दिया बट जैसे हमने पहले देखा ये इंसान अपने पावर में आएंगे और रिकनसिलियेशन होगा आप लोगों में ऐसा है कि जितना आप इनको खोने से डरते थे उतना आप इनको प्रेशर करते थे कि क्या आप मेरे से प्यार करते हैं क्या आपके लाइफ में दूसरा कोई है आप मेरे से ऑनेस्ट हो क्या आप कोई रिलेशनशिप चाहिए है और जितना आप इन पर प्रेशर डालते थे एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर स्केड आपको ये इंसान को खोना नहीं है उतना ही ये इंसान और और बंद हो रहा था लेकिन ये इंसान जरूर ओपन होंगे और नेक्स्ट सेवन डेज में जो है एक अच्छी रिकनसिलियेशन वाली मुझे एनर्जी जरूर दिख रही है रोमांस एंजल से देखते हैं नेक्स्ट सेवन डेज में व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर रिलेशनशिप नेक्स्ट सेवन डेज मेरे जो यहाँ पे पर्सन देख रहे हैं माय व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट सेवन आई एम सॉरी फिर से फोन आ गया था लेट्स सी नेक्स्ट डेज में क्या होगा एंगेजमेंट फॉर सम ऑफ यूल ये एंगेजमेंट आप इनसे मिलेंगे uh, actual engagement, अगर होनी है तो किसी की वो भी होगी कमिटमेंट में जो है आप एक लेवल इंसान के साथ नेक्स्ट वीक में जरूर जाएंगे रिलीजियस फैक्टर्स फॉर सम ऑफ यूल ये कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं मजहब पैसा थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर सम ऑफ यूल वो प्रॉब्लम एहसास जो है आप लोगों को जरूर होगा यू डिजर्व लव आपके इंसान और आपको दोनों को लगेगा कि भाई हम दोनों को एक दूसरे का प्यार चाहिए है और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करके ही एक दूसरे के साथ आना है, yes, other, है, ना? So जो है आप लोगों में ओपन कम्युनिकेशन होगा ओपन अंडरस्टैंडिंग होगी एक ऐसी समझ आप लोगों में आएगी एक ऐसी मेचोरिटी आप लोगों में आएगी जहां पे आप दोनों रियलाइज करोगे कि बस हमको एक दूसरे वी वॉन्ट ईच अदर हमको एक दूसरे के साथ रहना है तो ये रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप सेपरेशन फिर इकट्ठा आना वो सब को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये रिलेशनशिप में हील कैसे हो सकते हैं और रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे कैसे लेके जा सकते हैं दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशन हाई वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट एंड आई विल सी नेक्स्ट रीडिंग